नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सुंदरियाल यूसर्क साइंस स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे मध्य में जो कि आपको बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित आप लोगों को जानकारी देंगे, हमारे बीच में मनीष कुमार पांडे जी जो कि बॉम्बे से हैं और ये फंड वेल्थ एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड में वहाँ पे ऑफिसर हैं। सर, हम आपका इस साइंस स्टूडियो में स्वागत करते हैं। और आप जो आज हमें जानकारी देने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कई स्कीम्स होती हैं फाइनेंस की, हमारी हेल्थ की होती हैं, हमारी वेल्थ की होती है, हमारे कई तरह की, लेकिन हमको सबकी अधूरी जानकारी होती है और हम लोग ये समझ नहीं पाते कि हमें अपनी मनी को कहाँ किस हिसाब से किस तरह से हमें बचा के रखना है और कहाँ किस स्कीम में लगाए। तो मुझे लगता है कि आपकी जो एडवाइस होगी वो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो सर, मैं पुनः आपका यहाँ पे स्वागत करती हूँ और मैं ये जो है आपको हैंड ओवर करती हूँ। गुड फ्रेंड्स, हम लोग आज फाइनेंशियल अवेयरनेस के तहत फाइनेंशियल प्लानिंग पे बात करेंगे और मैं आप लोगों को ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि इंडिया में हम लोग जो है एक सोशली सिक्योर कंट्री में नहीं है, जहाँ पर गवर्नमेंट हमारी फंडिंग या हमारा मेडिकेशन या हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर करती हो, ऊपर से हम लोग को एक ठीक ठाक कैटेगरी में टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभी उतनी स्पेंडिंग नहीं है। तो आज की डेट में इंडिया एज ए इंडियन सिटीजन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स की तरफ फोकस करना पड़ता है, और लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होने की वजह से और स्कूलिंग और कॉलेज में ये सब्जेक्ट ना होने की वजह से लोग जनरली अपने जो सालों से प्रैक्टिस चली आ रही है हमारे फादर फोर फादर्स की तरफ से और जो हमारे बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव ओल्ड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनमें ही हम लोग निवेश करते हैं और जनरली हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और कई बार हमारे ऐसा होता है कि हमारे जो गोल्स हैं लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स वो हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण सिंपल है क्योंकि हम लोगों का क्या है कि अब धीरे धीरे एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं और हम लोग एक जनरल फार्मूला लाइफ में फॉलो करते हैं जो कि कहलाता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस और सेविंग्स। और आज की डेट में जिस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है, जिस तरह की डे टू डे लाइफ हो गई है, एस्पिरेशंस बढ़ गए हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, तो उस वजह से सेविंग्स रेट जो है इंडिया में धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में हम ये अवेयरनेस फैलाएं कि एक सेविंग्स का कल्चर आप बनाए रखें और लगातार इनकम माइनस सेविंग्स से जो बचे उसको अपना एक्सपेंडिचर में करें। और उसके अलावा आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ या मिड स्टेज ऑफ योर लाइफ में एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको बैंक बोरो करना पड़े और वो समय लोन में जाना एट अ लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ या वो गोल को फोरगो कर देना एक टफ सिचुएशन होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, जो कि एक टफ थिंग है। तो आज हम 5-6 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बोला कि आपको ये फाइनेंशियल गोल्स अपने सेट कर लेने चाहिए, तो फाइनेंशियल गोल्स कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे आप रिटायरमेंट प्लानिंग के को लेके आगे बढ़ सकते हैं कि आज मेरी उम्र 30-35 साल है और मैं 60 साल में रिटायर होऊंगा, तो अगर आज मेरा खर्चा 50,000 रुपये महीने का है तो 60वें साल में मेरा कितना खर्चा होगा। तो अगर आप 25 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, 30 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, तो एटलीस्ट 5-6 गुना या इवन 8-10 गुना भी होगा, डिपेंड कि कितनी महंगाई है। तो महंगाई के ऊपर अगले 20-25 साल में आपका 60वें साल का खर्चा जो है वो डिसाइड होगा। तो इस तरह से आपको फाइनेंशियल गोल डिसाइड करने चाहिए, जिसमें आज की डेट में बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर हो गए हैं। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद मिल सकती है, आप हम लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। हम वो नंबर क्रंचिंग करके आपको बता सकते हैं कि आप आज अगर इतने अपना जीवन यापन इतनी कॉस्ट में कर रहे हैं तो जब आप 60 साल के होंगे, और 60 साल के बाद ही, ऐसा नहीं है कि लाइफ का एंड हो जाना है, उसके बाद आपके खर्चे बंद हो जाने हैं, उसके बाद भी आदमी 15-20-25 साल, और अब तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऊपर जा रही है, तो उस वजह से लोगों के खर्चे लंबे समय तक चलते हैं। तो अभी वर्किंग लाइफ और नॉन वर्किंग लाइफ में भी बहुत ज़्यादा गैप बचा नहीं है, लगभग बराबर हो गए। अगर आप 30-35 साल काम करते हैं तो हो सकता है 20-25 साल आप नॉन वर्किंग सिचुएशंस में भी रहें,
जिसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरे फाइनेंशियल गोल आपके बच्चों की पढ़ाई को रिलेटेड हो सकते हैं कि 15 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए मैं कितना सेविंग करूं कि उसकी पढ़ाई में विदाउट एजुकेशन लोन के कर सकूं, बच्चों की मैरिज के लिए, दूसरे घर के लिए या पहले घर के लिए, हॉलीडेज में जाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, चैरिटी के लिए। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट हो सकती है, या आप अपना कोई पैशन अपना आगे फर्स्ट परस्यू करना चाहते हैं वो आपका एक फाइनेंशियल गोल हो सकता है। तो आप फाइनेंशियल गोल के बेसिस पे आप जो है ये गोल सेट कर सकते हैं और हम लोग जितने भी एडवाइजर्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उन लोगों की मदद लेके आज छोटा कितना अमाउंट सेव करके उस गोल को मैं अचीव कर लूंगा कुछ साल बाद उसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क प्लानिंग, क्योंकि आप हैं तो आपके साथ एस्पिरेशन है, साइमल्टेनियसली आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी है। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर आपको कोई चोट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या अगर कोई अनफोर्सिन इवेंट हो जाए और आदमी की डेथ हो जाए, तो वो जो सारी एस्पिरेशंस और जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी लाइबिलिटीज हैं वो आपके डिपेंडेंस पे एक बोझ की तरह हो जाती है। तो 5 इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हर इंसान को करने चाहिए। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज ये लिविंग रिस्क है, डे टू डे रिस्क है, कभी भी कोई भी बीमार पड़ सकता है, हॉस्पिटल जा सकता है। आज की डेट में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल हैं, आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। इमिडिएटली उसके बाद आपको एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि आप कभी भी रोड पर चलते आप गिर सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप स्लिप कर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, तो वो बहुत एक क्रूशियल चीज़ है जो आपको जरूर आपके पास होना चाहिए। तीसरी चीज़ है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जहाँ पर आप अपनी अननेचुरल डेथ को आपका कवर कर सकते हैं, उससे आपकी कॉमर्शियल वैल्यू एटलीस्ट कवर हो जाती है और आपकी जो भी लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपके डिपेंडेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। चौथा है क्रिटिकल इलनेस, एक बार आप 35-40 साल के हो जाते हैं तो क्रिटिकल इलनेस के रिस्क बढ़ते जाते हैं लाइफ में, तो आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी जरूर लें। और उसके बाद है आपके असेट्स, तो असेट्स में आपके घर का इंश्योरेंस हो गया, आपकी ज्वेलरी का इंश्योरेंस हो गया, आपकी गाड़ी और ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ है जो जिसके डैमेज होने से या जिसके ऊपर रिस्क होने से आपको नुकसान हो सकता है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो एक बार आपकी इंश्योरेंस प्लानिंग हो गई और 30-40 साल की अगर बाई द वे आप एज में हैं, तो जनरली 60-70 हज़ार रुपये में साल के प्रीमियम में आप अच्छी रिस्क प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि जनरली अगर आपकी इनकम 6-7 लाख रुपए की भी है तो 5-10% ऑफ द टोटल कैश इन हैंड यू गेट में प्लानिंग हो सकती है, रिमेनिंग से आप अपनी लाइफस्टाइल और सेविंग चला सकते हैं। उसके बाद एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। आजकल आप भी जानते हैं कि जॉब्स जो हैं बहुत वॉलेटाइल हो गई हैं, इकनॉमी बहुत फंजेबल हो गई हैं, कभी भी किसी भी इकनॉमी में किसी भी जॉब में रिस्क आ सकता है, तो एटलीस्ट 6 महीने से लेकर 12 महीने तक की अपनी इनकम आप एक लिक्विड अकाउंट में रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं या बैंक में FD बना के रख सकते हैं, जिससे अगर कभी कोई गतिरोध आए आपकी जॉब में, आपकी लॉस ऑफ इनकम हो या आपकी अर्निंग्स में कोई किस तरीके का प्रॉब्लम आए, तो आप वो 6 से 12 महीने एटलीस्ट सेल थ्रू कर सकें उस टफ टाइम में जिसमें आपको इनकम नहीं जनरेट हो रही है। तो एक 6 से 12 महीने का पैसा निकाल के आपके अलग से रखना इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आप सेविंग्स जल्दी शुरू करिए, और जितनी जल्दी उम्र में सेविंग करेंगे और जितना ज्यादा सेव करेंगे उतना फायदा होगा, बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आइंस्टीन ने बोला है कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16 और 16 से आगे वो कंपाउंडिंग होता है। तो जितना ज्यादा आप सेव करेंगे या जितना जल्दी सेव करेंगे उतनी ज्यादा पूंजी आप जुटा सकते हैं लंबे समय में, अगले 10-20 सालों में। टैक्स प्लानिंग जरूर कीजिए। आज की डेट में आपको 4-5 तरीके के बीइंग अ सैलरीड क्लास और अ सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको टैक्स प्लानिंग के लिए सरकार बहुत सारे ऑप्शंस देती है, बहुत सारे सेक्शंस हैं। हम लोग का जनरल आम पब्लिक का एक सब्जेक्ट नहीं होता है टैक्स, तो हम लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट करते हैं टैक्स कंसल्टेंट के ऊपर, तो वो एक दिक्कत होती है। लेकिन जनरली एक कुछ चीज़ें हमें भी मालूम है जिसको हम इग्नोर करते हैं, जैसे सेक्शन 80C है जहाँ पर हम 1.5 लाख रुपये साल तक की सेविंग्स कर सकते हैं अपनी इनकम से, जिसमें आप बच्चों के स्कूल का पेमेंट कर
फीस जो पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं, आप LIC का जो प्रीमियम दे रहे हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं, आप NPS में जो पैसा डाल रहे हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में ELSS स्कीम्स में पैसा डाल के वहाँ से डिडक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस बताया, तो आप 25,000 रुपये तक का अगर हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं तो आप उसका डिडक्शन 80D सेक्शन के अंडर में ले सकते हैं। आप अपने माता पिता, जो आपके माता पिता रिटायर्ड हैं 60 ईयर्स के ऊपर हैं या लेस देन 60 ईयर्स भी हैं, उनको भी आप 30,000 रुपये तक का एक हेल्थ इंश्योरेंस गिफ्ट कर सकते हैं। तो वो भी एक रिस्क है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर उनकी सेहत को कुछ होता है तो आपकी सेविंग्स में या उनकी सेविंग्स में जो खर्चा आएगा वो नहीं आएगा, वो एक इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर लेगी। तो आप वहाँ भी टैक्स बेनिफिट प्लस अपना रिस्क कवरेज कर सकते हैं। तो वो सेक्शन 80D आता है जहाँ पर आप 25,000 खुद की फैमिली का और 30,000 पेरेंट्स की फैमिली का आप जो है प्लानिंग कर सकते हैं उसमें। उसके अलावा एक नेशनल पेंशन स्कीम है PFRDA के अंडर में NPS, जहां पर आप 50,000 रुपये सरकार आपको अलाउ करती है साल में इन्वेस्ट करने का। एक अच्छी स्कीम है जिसमें आप 60 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तरीके का म्यूचुअल फंड है जो कि लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड है, जहां पर आपको आराम से डबल डिजिट रिटर्न्स आ सकते हैं 10 से 15% की रेंज में, अगर आप मॉडरेट या एग्रेसिव प्लान लेते हैं। और एक 50,000 रुपये तक की सेविंग आप वहां पर कर सकते हैं। 60 साल तक का लॉक इन होता है, 60 साल के बाद सरकार कहती है कि टोटल जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसका 60% आप निकाल सकते हैं और बाकी 40% से आपको एक एन्युटी या पेंशन प्लान जिसको बोलते हैं वो लेना पड़ेगा और वहां से आपको एक पेंशन आएगी। तो ये 3-4 ऑप्शन है हमारे पास। तो 1.5 लाख सेक्शन 80C में, 55,000 अगर आप खुद का पेरेंट्स का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वहां पर, और 50,000 NPS में, तो लगभग 2.5 लाख रुपये साल की आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम मान लीजिए 8 या 10 लाख के आसपास है तो आप 2.5 लाख का तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो आपका पहला स्लैब है, और उसके बाद आप 2.5 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो पहले साल में आपको पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना होगा, 5 लाख के ऊपर ही टैक्स देना होगा। तो ऐसे टैक्स प्लानर या फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू आप अपनी अच्छी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और आप टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। जैसे FD में आज की डेट में आपको टैक्स लगता है, वहीं पर म्यूचुअल फंड के बॉन्ड फंड्स हैं यहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता और वो आपको 1-2% रिटर्न बेहतर करके दे सकते हैं FD से। तो आप FD से बॉन्ड फंड्स में मूव कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट से आप लिक्विड फंड्स में मूव कर सकते हैं, पेंशन प्लान इंश्योरेंस से आप NPS में मूव कर सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग भी बहुत डिफरेंट लेवल पे हो सकती है, जिस पे हम आगे कभी डिटेल में बात करेंगे टैक्स के ऊपर अलग सब्जेक्ट में। उसके बाद अपना पोर्टफोलियो जरूर डाइवर्सिफाई कीजिए। मैंने अपने लाइफ टाइम में अपने क्लाइंट्स और कई और क्लाइंटों में देखा है कि लोग एक असेट क्लास के ऊपर ओवरबोर्ड हो जाते हैं। आज की डेट में मैं बॉम्बे, दिल्ली और बाकी बड़े शहरों में, देहरादून और कई जगह पर जानता हूँ कि लोगों की कैपेसिटी है 50 लाख 1 करोड़ के लोन सर्विस करने की, लेकिन वो प्रॉपर्टी में इतने ओवरबोर्ड हो गए हैं कि आज उनके पास 8-10 करोड़ रुपए का लोन है और अभी प्रॉपर्टी प्राइसेस डीमोनेटाइजेशन के बाद नीचे आए हैं, तो उसके बाद उनको दिक्कत हो रही है अपनी प्रॉपर्टी को सर्विस करने में, वो स्ट्रेस सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से, या गोल्ड में कुछ लोग ओवरबोर्डेड हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड लोन्स में ओवरबोर्डेड हैं, कुछ लोग शेयर्स में ओवरबोर्डेड हैं। तो कभी भी किसी भी एसेट क्लास में ओवरबोर्ड मत होइए। थोड़ा पैसा बैंकों में रखिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में रखिए, थोड़ा गोल्ड में रखिए, थोड़ा रियल एस्टेट में रखिए। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि एक तो सारे एसेट क्लास एक साथ नहीं चलते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका रिस्क कम होता है और आपके रिटर्न कंसिस्टेंट बने रहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इन द पोर्टफोलियो इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और आपके फाइनेंशियल गोल से लिंक करके डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल गोल 8% के रिटर्न से हो जाए और हो सकता है आपका फाइनेंशियल गोल को 15-20% के रिटर्न भी लगे। तो अकॉर्डिंगली सोच समझ के, कंसल्ट करके एक अच्छे एडवाइजर से या टैक्स प्लानर से आप इस रिस्क को समझिए और अपना जो है इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के साथ कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खर्चा। जब आप खर्चा कर रहे हैं तो खर्चे के वक्त आपको जो है ये चीज ध्यान रखनी है कि ये अनजेन्युइन खर्चा तो नहीं है। हम लोग आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रेफ्ट हो गए हैं। हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम लोग डेप्रिसिएटिंग असेट्स में बहुत पैसे लगाते हैं, अनयूज्ड जो हमारे पास प्रोडक्ट पड़े जाते हैं उसमें बहुत पैसा लगाते हैं, लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा है। तो अगर हम वो खर्चों को थोड़ा थोड़ा भी काटें और उसको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ रखें तो हम बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन वी कैन
क्रिएट अ सेकेंड लाइन ऑफ इनकम, बिकॉज सेकेंड लाइन ऑफ इनकम के बारे में हम लोग कोई नहीं सोचते. हम जो आज की इनकम है उसी में उलझे रहते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ इनकम कभी क्रिएट नहीं करते. एंड योर इन्वेस्टमेंट कैन बी अ सेकेंड लाइन ऑफ इनकम, जहां पर आप एक दूसरी इनकम जनरेट कर सकते हैं. और पहली इनकम पे आप चॉइस ले सकते हैं कि मुझे ये जॉब में करनी है नहीं करनी है, या मुझे अपना हार्ट फॉलो करना है, अपने पैशन फॉलो करना है, अपनी हॉबीज फॉलो करनी है, या मुझे प्रॉपर रिटायरमेंट लेना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है. तो अगर आपकी सेकंड लाइन ऑफ इनकम होगी वो आपके इन्वेस्टमेंट से भी हो सकती है. जरूरी नहीं कि आप कोई साइड इनकम करें या साइड बिजनेस करें या सेकंड जॉब करें या पार्ट टाइम करें, आपके इन्वेस्टमेंट भी आपकी सेकंड लाइन ऑफ इनकम बन सकते हैं. तो स्पेंडिंग के समय भी जरा सोचें कि जो हम स्पेंड कर रहे हैं वो जेन्युइनली कर रहे हैं क्या, हम उसमें से कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स डिराइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में इंपॉर्टेंट है. तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि फाइनेंशियल गोल बनाइए, इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए, इंश्योरेंस कीजिए, सेविंग्स टैक्स प्लानिंग कीजिए, अपनी डाइवर्सिफाई कीजिए, और अपनी स्पेंडिंग पे ध्यान रखिए कि कैसे क्या करना है. ये कुछ चीज़ें अगर आप बेसिकली फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छा असेट क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, सोशली और मॉनिटरीली सिक्योर हो सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं. तो इसी के साथ हम ये लेक्चर अभी ख़त्म करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स पर हम आगे जाके कभी आगे और डिटेल और डेलिब्रेशन के साथ बात करेंगे. Thank you.